समस्त को श्रीराम ज्ञान मंदिर बालिया तरफ पुनः मो पवित्र गुरुजी तुम प्रिय श्रद्धार आज विशेष श्रेणी कालांश ना जाऊँगी बड़ा महत्वपूर्ण ये क्लास दस श्रेणी पाई ए बर्षर नुआ चैप्टर साहित्यर नुआ अध्याय भीमक सिंहनाद रड़े ए बड़ व्यापक प्रस्तुतिर विषय पिला माने जेतन पढ़िया पूर्वरु तुमने खाता और कलम पाखे निश्चिंत रख ओडिया शब्दार्थ गुड़क मो मझे मझे कह चेष्टा कर नुआ प्रयास विजुअल मध्यम तुमको पाखे पहुँचापी रामायण महाभारत कथ सदा बड़े जाणीचे ये महाभारत एक अंश विशेष एवं आम जहाँ रामायण रामचंद्र कथा को शुणुचे एवं गत वर्ष थी मानगोविंद महा कथा दुर्योधन कथा ये से ही दुर्योधन कथा को उपस्थापन कर दुर्योधन को किभरी भाव भीम तार रड़ी द्वारा तार पराक्रम द्वारा तार ओजस्वी शब्द द्वारा कर्मी अहंकारी अधर्मी दुर्योधन को नाश कर उपस्थापन कर पुनस्थ समस्ते आज प्रतस्मरण से गायत्री महामंत्र उच्चारण कर आज कार्यक्रम को प्रारंभ करवा ओम भोर भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वप्रथम पुनः श्रीराम ज्ञान मंदिर बालिया तरफ आपखे यूट्यूब चैनल द्वारा श्रीराम ज्ञान मंदिर बालिया पर सब्सक्राइब कर आपण माने प्रतिदिन क्लास को आपण मान पा विशेषकर विभाग विभिन्न जन दिखाई दश श्रेणी पिला जेहेतु महत्वपूर्ण समय ये विश्वमारी कोविड 19 पराक्रम जो दिन दिन जो परिवर्तन गति देखा आप देखते ओडिशा प्रतिदिन 4-5 जन लेखाए बाहर ये मोर महत्वपूर्ण आ सरकार निर्देश क्रमे जून 17 पर्यंत स्कूल बंद विभिन्न कोचिंग सेंटर विभिन्न शिक्षानुष्ठान बंद रेणु आम प्रयास जारी रही है से पर्यंत जपर्यंत सरकार को लॉकडाउन रही तेणु आपण मैंने आसतु आज कालांश कर पूर्व ध्यान दबा एवं शेष पर्यंत पे क्यों पड़े उठा न जाकर शेष सब पे विषय वस्तु को पूरा शुणा ए मजिबा एवं आनंद नवा प्रथम आसतु आम मैंने पढ़ा आज भीम सिंह नादर रड़ी ये बड़ा व्यापक विषय लेखक होती शाला दास जी पंचदश शताब्दी में ओडिया भागवत को ओडिया रचना को ओडिया भाषा को सूर्यवंश राजा कपिलदेवक समकाल अर्थात ख्रीष्टीय पंचदश शताब्दी में जीवित थिबा श्री शाला दास जी झंकर निकट में निजी समर्पण करते से माँ शाला सानिध्य निज समर्पण कर शाला दास कवि विषय को आम उन्मोचन करवा आसमें पढ़ा भीम सिंहनाद रड़ी प्रथम पे बुझा भीम किए भीम फटो देवा आम बर्तमान आम भिजन बाध्य पीला देखा देख पे फटो को संपूर्ण देख कौ भीम तेरे भीम आम क्या कहे ना जिते बड़े पे महाभारत युद्ध भीमकर अन्य बलिदान था आधीम को मध्य पांडव भी कहला एवं ताको बलशाली भी आख्या दि जाऊला जिते बड़े सूर्यवंशर कौरव एवं पांडव नामक दुईटी वंशर राजा थे कौरवर मुख्य थे राजा धृतराष्ट्र एवं धृतराष्ट्र स्त्री थे गांधारी पिला जाच गांधारी शहे एक पुत्र था ज्ञानदेव कथा को शहे एक पुत्र था एवं गोटे भौणी थी गांधारी गोटे झील थी शहे एक पुला एवं गोटे झील थी जो झील ना था दुशिया गांधवा एक जो झील थी दुशिला आए महाभारत युद्ध में शहे भाई मरला बेले गोटे भाई जीवित थी ताला दुर्दक्ष जेकि महाभारत युद्ध में शहे भाई मरला गोटे भाई बंची थी ताला दुर्दक्ष कितु
स्वयं एक भितर गोटे झौणी तरला तला दिशा तेणु गांधारी जत लिखी अंध पुटुणी बांधि एवं शहे अंडा को पुराण लेखा शहे अंडा को फुटे भ्रूणहत्या पापर भ्रूणहत्या पापर पुनर्जगर अभिशाप बल से दुई जनाक गांधारी और धूतराष्ट्र पटी बांधि जार सामना के पारे आकर सामना जी कर नष्ट एवं शेष में से आई शहे भाई शहे एक भाई एवं एक भौणी कौरवर राजवंश था एवं परवर्त जानते कि भाव में शकुन नाम थे शकुन स्टोरी जो बड़ा व्यापक तेणु कि भाव में शकुन वास्तविक जेहतु पांडव मान भल पाते कि राग हिंसा रखी से कौरव पक्ष संपर्क लेकिन कि जदवंश ध्वंस करने सरी कौरवंश को ध्वंस करने चक्रांत था तेरे से भाव में भीम उपाख्यान पूरापूरी आम पांडव कथा थी जो पांडव राजा थे पांडु राजा एवं पांडव पांडुआ जगह स्त्री थे कुंती एवं ये कुंती पांच पुत्र थे देख पे पांच पुत्र को आम मैंने देखुचे एक युधिष्ठिर अर्जुन आउ भीम नकुल एवं सहदेव युधिष्ठिर अर्जुन भीम नकुल आउ सहदेव ये पांच जन भितर भीम थे बड़शाड़ी से कहुची मध्यम पांडुवन कह जाए भीम को कह जाए मध्यम पांडुवन कह जाए एवं युधिष्ठिर थे पे मन भर युधिष्ठिर सदा बड़े थे धर्मपरायण युधिष्ठिर धर्मपरायण थे आउ अर्जुन थे धनुविद्या भीम थे बड़शाड़ी आउ आम नकुल थे विद्यार परिपूर्ण पूरा थे ज्ञान दवा एवं सहदेव थे त्रिकालशी सब से जापुर ज्ञान दवा तेणु आम एक प्रसंग आसूस भीमर सिंहनाद रणी कथा जिते भीम उपाख्यान को आम जीवा तेणु भीम कथा जानवे जी भीम थिला मधु भीम थिला मध्य पांडु वंशर श्रेष्ठ ए बड़सार थे एवं आम पुराण इतिहास पढ़ा पूर्व आम जाने साधारण भाव में भीमर आउ गोटे कथा जाना जिते से बार वर्ष काल बनवास रही तेरह वर्ष बयस तेरह वर्ष तो पिला जो महाभारत युद्ध आरंभ होता से भीम विवाह कर जंगल रहा बेले गोटे राक्षसुर सहित विवाह होता ता ना हूँ हिडम्बी पे ध्यान दवा भीमर एक स्त्री था ये पिक्चर देखते ये था हिडम्बी ध्यान दवा हिडम्बी जी की कह भीमस वाइफ प्रयास करें तुम पाखे पहुंचापे पे चिन्ह ये भीमर गोटे स्त्री थी हिडम्बी जार ये भीमर तीन टा स्त्री थी गोटे थी हिडम्बी आउ द्वितीय स्त्री थी द्रौपदी जगह पांचाड़ी जिते बड़े कि पे देख ये आम द्रौपदी सरी ये नेक्स्ट हाँ पे देख ये प्रथम देखने हिडम्बी एवं हिडम्बी हिडम्बी पर द्रौपदी देख ये दृश्य को ये दिखाई बहुत पूरा कथा जिते बड़े पशा पानी में परास्त होती पांडव गण एवं भगवान स्वयं लीला खेला कर समस्त वस्त्र को द्रौपदी की अर्पण कर दुशासन निजर जिते पार पर्यत उल्लंघन कर चेस्टा कर राजप्रसाद समस्त उपस्थित आम समस्त जानचे से तो परवर्त विषय द्रौपदी द्रौपदी पुत्र थे द्रौपदी पुओ था सुतसमा पे आपको लिखी रखुव द्रौपदी गोटे पुओ था सुतसमा ये पांच रूपये को आई जो कुंती पांच पुओं कही जो बड़ा संक्रम करते तुम्हें बांट पुट करस्पर भाग नाब से बांट पुट भाग ना कथा तो पड़ा जो अर्जुन द्रौपदी को धनुविद्या कर विवाह कर बसिले से कहीं जान ना जो कि विवाह हेनी तेणु पराक्रमी जान लगे पांच भाई जगह अविवाहित नाम दी पांचाड़ी द्रौपदी एवं द्रौपदी को विवाह भीम ए भीम विवाह होगा द्रौपदी गोटे पुत्र था पुव नाम था सुतसमा ध्यान दवा एवं प्रथम भीम करते हिडम्बी आ द्वितीय स्त्री थे द्रौपदी आ तृतीय स्त्री थे पे कहती भलंधरा
पिक्चर आम देखु तुमको धनंधरा ध्यान देवा ये धनंधरा गोटे पूरी थे से पुरी नाम सरभागा ध्यान देव ये लिखा संभव ना पीला मतलब खातार कलम लिखु थोड़े चेस्टा करा सरभागा गोटे पु थे कार भलंधर पुओ थ सरभागा तेज प्रथम स्त्री ना है हिडम्बी ए हिडम्बी एटी जो छवि पे देखु हिडम्बी गोटे पुत्र था तार है घटकच्च जी जाच सभापति राक्षस जाति हेल्ले पराक्रमी थी तार आकार सब से बड़ देख ये माँ को कौन से जन्म नहीं नाली कलर कले रेड कलर जिते लेख कोण रेड कलर करवा देखा एट देख पे आमर जी जन्म तक प्रथम स्त्री थी हिडम्बी भीमर ये हिडम्बी जो जन्म नहीं कुलर थी घटकच्च ये ध्रुव एत पराक्रम थी ये विस्तीर्ण रूप आकार गणपत सभा ध्यान दि विराट रूप थी भीमर पुत्र ये थे हिडम्बी पुत्र भीमर पुत्र आम जाने जे हिडम्बी हिडम्बी है भीमंर स्त्री आीमंर हिडम्बी पुत्र है घटकच्च आम जाने द्रौपदी द्रौपदी पुहला सरभागा एवं सूत समा आ भलंदरा जिन तृतीय स्त्री थी ना सरभागा कि गोटे प्रश्न आसुच्चे हिडम्बी जो प्रिय थी घटकच्च इन परवर्त अवस्था बहुत होता बहला स्त्री थी मार्दी जान दिया मैंने घटकच्च स्त्री थी मार्दी ए मार्दी एवं एक पुत्र संतान जन्म देते बारबोरा ध्यान दिया देख लिखा बर्दी की जो एक बार से महाभारत समाप्त कर सकता है बारबोरा एत पराक्रम थी जत कौरव पांडव मध्य युद्ध कराऊला भीम जंगल घूरू से भीम सहित झगड़ा होता मानव होता बारबोरा सहित बारबोरा एत पराक्रम थी भीम को परास्त कर कांधे बस माँ को पाख जा माँ मार्गी आउ पिता थे घटकच्च एवं घटकच्च देखिए बड़े आश्चर्य होते आरे तू कौन कहते पिता तेनालीर से बारबार बड़े आश्चर्य कहते ये मुझे जाणी ना ये क्षमा प्रार्थना करा एवं से मागि पिता को कौन पर तुम्हें जेजे तुम आसीच एक कथा कहला बेले भीम कौरव समस्त कथा बनवा कर घटकच्च बारबरा बारबर की एम जा जो युद्ध को जय करने को समस्त पराक्रम कि पे मन पिता बारबरा एत पराक्रमी थे जो श्रीकृष्ण भगवान केवल पा जानते से तीनो अस्त्र जारी थी गोटे अस्त्र को सी युद्ध शत्रु मान को जाने चिन्हापाई तो भगवान श्रीकृष्ण कही श्रीकृष्ण आगे बारबर ढाईला श्रीकृष्ण भगवान कही तू कि करना ये मो पा एत तीनो अस्त्र अच्छी जो महाभारत युद्ध हम से युद्ध मु आगे शत्रु मान चिन्ह चिन्हला मो पिता जो मैं शत्रु अच्छा द्वितीय बाने मुझे नाश करी ए तृतीय बाने कौन करी मुझे पाखे शपथ कर युद्ध में जी निर्बल थी मुझे सफा करदेवी एक सी आनता भगवान श्रीकृष्ण आनी श्रीकृष्ण इधर व्यापक प्रक्रिया श्रीकृष्ण से बार बार परीक्षा करने जो गच्छ देखुंट गच्छर जो सुखिला पत्र भी सी कहते हैं झड़े पारू आ गच पत्र कौन पारे गचु पूरा समाप्त कर दे बाणर तार तू मुझे जानी प्रकृत तू योद्धा हो तेरे से तृतीय बाण पत्र में भगवान श्रीकृष्ण उच्च रखी तृतीय बाण भगवान पाद को स्पर्श कर पार्ला भगवान पाद को श्रीकृष्ण भगवान जो तीर स्पर्श करुला से माँ दर्शन देते भगवान श्रीकृष्ण श्रीकृष्ण से भी कही मुझे सहायता करी निश्चिंत कितु मो पाद सर आघात होगा आ मृत्युबरण कर था केवे ना के मत सरबद्धर मृत्युबरण करी ये बड़ व्यापक प्रक्रिया से भगवान श्रीकृष्ण सुदर्शन चक्र बारबर को मारदे चाहते समस्त भाई मैंने घटक चलते करते जे आप मो पु मारती ना मो पु कौन युद्ध में भाग ना जेहेतु बारबरा कही निश्चिंत महाभारत युद्ध में जय कर पिता को मारियापाई से भगवान श्रीकृष्ण बारबर को दर्शन दे विश्वरूप आकार दर्शन देते देखे यदि तू महाभारत युद्ध को जीवु एवं महाभारत युद्ध में तू समस्त तो बाणर मारि दौ मैं ये समय आसव कौरव समाप्त होते आबल जाति पांडव रही जाइए
जे तू संकल्प करूचु जे सबल को पक्ष न जा निर्बल पक्ष से तू दुर्योधन पक्ष पलू ए पांडव समूह बापा दादा भाई मैंने समस्ते समाप्त हो कथा को सी कही काकती देखी कही कौन करी से भगवान श्रीकृष्ण तो कहला निजे से आत्मत्याग कर त्याग दानी जी बार बार कहुच दानी ऋषि बार बार जो एक बार से महाभारत समाप्त कर सकता है गोटे मात्र थी महाभारत युद्ध जो कि बार बार की जे चाहते एका महाभारत युद्ध को समाप्त कर अधर्म को नाश करने अहंकार को नाश करने समाज को देखा भगवान श्रीकृष्ण माया रचना करते शेष बार बार निजय स्वर भेदर से निजय स्वरूप शिव छेदन कर भगवान श्रीकृष्ण भगवान माधव तले समर्पण करते माधव से मुंड को लेकर पहाड़ उपर रखी पहाड़ को शिशी ये जो दिगला बारबरा को महाभारत युद्ध एकमात्र पथक से दर्शी बारबरा से माधव भगवान श्रीकृष्ण कहते तू घटुश्याम नाम शिष्य पानी रूप से केवल महाभारत युद्ध एकमात्र रखी पार से बारबरी जे कि ज्वलत प्रमाण आज के आज पर्यटन सृष्टि देखी ना ये एकमात्र प्रत्यक्ष देश महाभारत युद्ध जहाँ बारबरी दर्शन कर तार त्याग तार बलिदान तार समर्पण भाई जाति रही जो पिता जेजे कही भूम जे आम तो सात पक्ष अच्छु सी तो एगार पक्ष थे तेनाली आम पक्ष बारबरी जीव कि समय आशीष को सुवान कहते जितेबले कौरव नष्ट आम पांडव रही से बाध्य बारबरी कौरव पक्ष जीव तेणु ये तो इतिहास कथा आम जीवा विषयवस्तु को जो विषयवस्तु पत्र हरिक अच्छी भीम कथा ये उपाख्यान आम टे देखे जो भीम का जो सिंहराग रही भीम कथा को एक उपस्थापन कराई प्रत्येक देख भीम कथा आम एपर्यंत भी बर्णना करुले भीम संपूर्ण जिन जाना तीन स्त्री कथा पुओ कथा कहले भीम पुओ भी ये पराक्रमी थे द्वितीय प्रश्न सिंहराग कथा पड़ी सिंहराग कौन जो पे भीम पर सिंहराग ये शब्दर अर्थ हो ज्ञान दा पे सिंहराग शब्दर अर्थ हूँ महिष सिंह बाद्य ज्ञान दि सिंहराग अर्थ हूँ महिष सिंह जंतु देखी नाद राजा मैंने पीढ़ी बजाऊ टेकी जो नाद हो नाद हूँ महिष सिंह निमित्त बाद्य कहते सिंहराग तो सिंहराग अर्थ के जिते शिव भगवान भैरव रूप से ढाल कर सिंहनाद कले पृथ्वी पलय हम ये सिंहनाद कौन जिते पृथ्वी विपद पड़ूला समय शिव करते दंभुघट नृत्य करुले पृथ्वी थर पदंकित होता से नाद मात्र केवल भीम बजी रहा से कथा कह शिव भैरव रूप ढाल कर जिते सिंहनाद कह कर पृथ्वी थर हर होता से समय अशेष दत्त था राक्षस ना दत्त तो असुर अशेषा हो असुर ना अशेषा दत्त असुर कैलाश उपाधि नहीं बेले ऋषिमुंड पर्वत भीम शिव को डाकि ध्यान दे कथ शिवनाथ तो कौन बुझे पद बुझे ना महिष सिंह निर्मित एक बाद्य जो बजेला राजा मैंने बुझे कि से समय शिवनाथ क्या कहुई शिव तो भैरव रूप नब पांडव रूप ने नौले पृथ्वी विपद पड़ा समय शिव दंडी नृत्य करुले आ पृथ्वी पलूला आ पूर्वी से होता अशेष नाम गोटे राक्षस जी कैलाश पर्वत मैं उपाड़ी नहीं पाता कैलाश पर्वत उपाड़ी गला बेले शिव भीम से जप बस करुला कौन से पर्वत का मार दुर्योधन को मारे बोले से समय शिव से डाके भीम अशेष दत्त को मारी से गला भीम अशेष दत्त को मारा एवं कैलाश पर्वत को उद्धार कर भगवान शिव भीम को बर रखी जेहेतु कैलाश पर्वत को भीम रक्षा करतेम को भगवान भोलाशंकर नीलकंठ धारी रुद्र देवता महादेव कौन करते भीम को बर देते एवं से जो बर से पाई भीम से बर को महाभारत युद्ध एक आम सहदेव आई
ଯାଇନଥିଲେ ସରସ୍ୱତୀ ସାକ୍ଷୀ ଥିଲା ତେଣୁ ସେଇଠି ସେ ସହଦେବଙ୍କ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସହିତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦୁଶାସନ ବସ୍ତ୍ରଣ କରି ଦୁଶାସନକୁ ମରାଯାଇଛି ବିମ ମାରି ଫାଡ଼ି ଛିନ୍ ଛିନ୍ କରିଦେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଦୁଶାସନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନଦୀ ପାଇଁ ଚାଲି ଚାଲି ପଳେଇଛି ଚାଲି ଚାଲି ପଳେଇ ଯାଇକରି କଣ କରିଛି ନା ସିଏ ପାଇଥିଲା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଖରେ ବର ପାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କେବଳ ଶକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ କରିକିରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାନ୍ଦରେ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଆଉ କିଏ ପାଇଁ କରିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କରିଥିଲା ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଯାଇକି ଲୁଚି ଯାଇଥିଲା ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଯାଇକି ଲୁଚି ଯାଇଥିଲା ଜାଣି ଦିଏ କଥା ଆମେ ବ୍ୟାସ ସରୋବର କଥା ପଢିବା ଆମେ ଏ କଥା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ପଦ ଯେଉଁ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଦୁଇଜଣ ଲୁଚିଥିଲା ସେ ବ୍ୟାସ ସରୋବର କଥା ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବି ସିଂହଳ ଆଡ କଥା ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଇକରି ସେ ସରୋବର ପ୍ରସିଦ୍ଧିଲା ସେତେବେଳେ ସହଦେବ ମନେ ପକେଇବି ତାକୁ ଭୁଲ ମୁଁ ଭାଇ ତୁମେ ତପସ୍ୟାରେ ବସ ତମକୁ ଶିବ ଭଗବାନ ଯୋଉ କୈଳାସ ପର୍ବତ ତୁମେ ଯୋଉ ବର ମାଗିଥିଲ ସେଇ ବର ମାଗିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ସେ ବରକୁ ଏବେ ଶିବକୁ ମାଗ ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ନାଶ କରିପାରିବା ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ ଏ ସୁନ୍ଦର ଉପାଖ୍ୟାନ ସିଂହନାଦ ବାକି ତୁମେ ରବି କଥା ସବୁ ଜାଣିଛ ରବିମାନେ ଚିତ୍କାର କଲା ରବିମାନେ ଚିତ୍କାର କଲା ତେଣୁ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଗୋଟେ ବଡ ବ୍ୟାପକ ବିଷୟ ଆସନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୀମ ଆଉ ସିଂହନାଦର ରଡ଼ିକୁ ଚାଲିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କ୍ଲୁ ଦେଖାଉଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ କିଭଳି ଭାବରେ ଭୀମ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇଯାଇଛି କଥା ଆମେ ଚାଲିଛି ମହାସରୋବର ଲୁଚିବା କଥା ପଡ଼ିଲା ସେତେବେଳର ଦୃଶ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ଥିଲା ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲା ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇଠୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ତମର ଯେଉଁ ମାର୍ମିକ ଅଛି ରାଘବଙ୍କ ଇଏ ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନ ଗଡ଼ିରେ ଆଦ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି ଏକଥା କୁହାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଦିନ ସେଠି ଭୀମ ଏବଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିବ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିବା ସମୟରେ ଭୀମ ପରାସ୍ତ ହେବ ଏ ପରାସ୍ତ ହେବା ସମୟରେ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ ଯେ ତା ଜଙ୍ଘର ତା ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିରେ ବଜ୍ର ଥିବ ମା ଗାନ୍ଧାରୀକି ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଜଙ୍ଘ ସେ ଜଙ୍ଘରେ ଭୀମ 700 ଗଦା ପ୍ରହାର କରିବେ ଏବଂ ସେ ଗଦାରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅନ୍ତ ଘଟିଛି ତେଣୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୀମ ସିଂହନାଦରେ ରହି ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ ଆଶା କରେ ଆପଣ ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିପାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଯିବା ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟରେ ରଚନା କରିଥିବା ଆଦିକବି ଶାରଳା ଦାସ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀୟ ରାଜା କପ୍ପେନ ଦେବଙ୍କର ସମତଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପଞ୍ଚ ଶତାବ୍ଦୀର ଜୀବିତ ଜଣାଯାଏ ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ କଥା ତ ଆମେ ଜାଣିସାରିଲେଣି ତେଣୁ କବିଙ୍କ କଥାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ପୁନର୍ବା ତେଣୁ ଝଙ୍କର ଶାରଳା ଚଣ୍ଡୀସାଦ ଆରାଧ୍ୟା ଦେବତା ପୂର୍ବ ଶକ୍ତିଲାଭ କରି ଶାରଳା ଦାସ ରୂପେ ନିଜକୁ ପରିଣତ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ବାସ୍ତବିକ ନାମ ଥିଲା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା ବୋଲି ସେ ଲେଖିଥିବା ମହାଭାରତ ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ ଭଳି ଯଶସ୍ୱୀ ହୋଇଛି ତେଣୁ ଆମେ ଭୀମଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିବେଣି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟକୁ ମାନେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିସାରିଲେଣି ଏଠି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହିସାବରେ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଲେଖା ହେଇଛି ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି ବିଷୟଟି ସାରଳା ମହାଭାରତର ଗଦା ପର୍ବରେ ଆସିଛି ଯେଉଁ ଭୀମ ଯେଉଁ ଗଦା ପ୍ରହାରରେ 700 ପ୍ରହାରରେ ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ମାରିଥିଲା ସେ କଥାକୁ ଏଠି ଭୀମର ସିଂହନାଦ ଘଡ଼ି ରହିଥିଲା ବିଜେଇଲା ତିନୋଟି ଘଡ଼ି ସେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ହିଁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ସେ ମାଗିଛି ତେଣୁ ମହାଭାରତର ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆତ୍ମସୂଚନକୁ ହରାଇଛି କିଏ ମହାଦେବ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ପରିଜନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଲୁଚିଛି ବ୍ୟାସ ସ୍ୱରରେ ଦେଖିଲେ ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ଉପଦେଶରେ ଆତ୍ମକ୍ୟ ବ୍ୟାସରୁ ସେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିଲା କିଏ କରିଥିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆମେ ଦେଖିଲେ ବୁଝିଗଲେଣି ତେଣୁ ଏହି ବ୍ୟାସରବରେ ସରମିତା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ତା ଶତ୍ରୁ ବଳପୂର୍ବକ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଥିଲେ ଶିବ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଯଦି ବଳପୂର୍ବକ କିଏ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ସରଣେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ତାର ଶତ୍ରୁ ବଳପୂର୍ବକ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଶିବ ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଧ୍ୟାନ ଦେଖିଲା କିନ୍ତୁ ସହଦେବଙ୍କ ମୂର୍ଖରୁ ସହଦେବ ମୂର୍ଖରୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏହି ନିରାପତ୍ତାରେ ଲୁଚିଥିବାର ସୂଚନା ପାଇ ଭୀମ ଶିବଙ୍କଠାରୁ ସିଂହନାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇ ହୋଇ ଦୁଇଟି ଭୟଙ୍କର ବି ଦେବାରୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅଭୟ କୋଣରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାଣ ନ ମାନି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ଯେଉଁ ବର ପାଇଛୁ ତୁ ବିଲକୁଲ ମୁଁ ତ କୋଣ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି ତେଣୁ ସେ ଏକା ଯିବି କରିଛି ସେ ପଳେଇବା ପାଇଁ ଏକା ଯିବି ପୁରା ସେ କରିଛି କେମିତି ନାଇଁ ମୁଁ ଏଠୁ ପଳେଇବି ତ
शेष में माँ लक्ष्मी तार अंगार जो माँ कहते मो तो पाखे आवश्यकता किसी ना तो माँ लक्ष्मी तक छाड़ दी तो माँ लक्ष्मी तक छाड़ गले से तृतीय रड़ यदि समय होता है हूं तो दुर्योधन मरी था आज भी जीवित था तेनाली लक्ष्मी जितने चली गले से पालन न माने फेली दे युद्ध डाकरा मैंने तेली गला मैंने युद्ध डाकरा मैंने अवमानना कला माँ लक्ष्मी को चल सतुरी सतुरी भार गंदा धरी किए भीम महादेव व्यास बाहरी आसा किए से दुर्योधन बाहरी आसा आम देखने ना कि व्यास बाहरी आसे तेणु एटार भीम द्वारा जो शब शिव ठाकुर सिंहराज प्राप्ति से पाई सौरमंडल भयंकर प्राप्ति सृष्टि से पाई महारणी तेरे महालोकों सांत्वना को आग्रह कर दुर्योधन विरोचित सम्मुख सम्मुख आगमन आदि विषय सुंदर कुरा संपूर्ण विषय मुझे भावुची पे बुझी सारे तथा गुजरात संपूर्ण कथा छोट प्रसंग महान गायत्री कथा कथा भितर विषय को भरी रही जानवा कथा पे बर्तमान आस आम धीरे धीरे एड़ी विषय को जी पे गोटे माहौल अनापार थी आम समस्त तेणु टिके मुझे स्थिर कर फिल्म दूरी पे पूरा मजी गुरी जाए आप आलोचना करें सीआई देखेंगे कौन माइल की ना 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 से पूरा उज्जवल रहा से विषय से भी अच्छी मैंने विषय भी रहा फिल्म देखिए बसिक समय बहुत ना एत समय कल चर्चा कर ठीक अच्छे तुम प्रयास देख कौन लिखा है सहदेव बोला स्वामी सूरी जगन्नाथ ईश्वर को सिंह नाद मागंतु पवन सूत सहदेव बोला स्वामी सुनिबा जगन्नाथ ईश्वर को सिंह नाद मागंतु पवन सूत तेनाली पहदेव किए कह पांच पंडित जो पांच पुओ थे पांच पुओर सर्वश्रेष्ठ पुत्र थी सहदेव आ सहदेव कही पूरा भारी चतुर थिला से चिका कर सब तो मालूम थिला तेणु से भीम को मन पकड़े अतीतर जो कथा को महान शिव वरदान देते कैलाश पर्वत उद्धार करें कथा होते से कथा को सहदेव कही स्वामी सुनिबा जगन्नाथ जगन्नाथ को ईश्वर को आई ईश्वर को मैंने शिव सुन कहु आम जगन्नाथ को आईनि सहदेव बोला स्वामी सुनिबा जगन्नाथ ईश्वर को सिंह नाद मागंतु पवन सूत तो पांडु राजा थे सहदेव एवं मागंतु पवन सूत बोली क्या कहुई पवन सूत बोली भीम को कहुई भाई तुम्हें माग श्री भगवान को माग तुम तक कहुई गोविंदे बोले गोविंदे बोले जेबे एमंत अच्छी भीम बुद्धि हराई किंतु कलु तुमती भ्रम गोविंद बोले मान भगवान कहु गोविंद आख्या कह गोविंद बोले भगवान को कह जब एमंत अच्छी भीम तेज हे भीम एमंत अच बुद्धि हराई किंतु कलु तुमती भ्रम बुद्धि हराई कले किमते तुमती मैंने भल बुझामा ध्यान देवा बुझामा कौन कला कौन से बुझामा कर बुझा गुड़ा कर तो भीमर आज मन पड़े किसी भीमर कौन कथा मन पड़े गोविंदे बोले जेबे हेमंत अच्छी भीम बुद्धि हराई किंतु कलु तुमती भ्रम तेरे तु बुद्धि हे भीम तोर बुद्धि कहीं विषय होगा तो बुद्धि किसी भी एक सहज कही चलिए भाई तु बुझु मत भ्रम मान भूल बुझा मारा कि बुझी पारे ए देवहन तु विष नाथ को सिंह नाद माग रड़ी रहा दे मान गोविंद बाहर हो बहन मान ए मान केमते पे मान हूँ केमते बहन तु केमी बहन कर विश्वनाथ विश्वनाथ भी क्या कहे शिव भगवान को विश्वनाथ कहले सिंहनाद माग ए भाई से जो रड़ी महिषी जो नाद जो गर्जन तक माग रड़ी रे ना दे मान गोविंद बाहर हो तुम रड़ी रे तुम रड़ी रे शिव भगवान शुणिकी मान गोविंद मैंने दुर्योधन बाहर को पलि कौ व्यास स्वरूप पलि ध्यान चिंतला से पांडव सुंदर ध्यान मान ध्यान भावना चित्त किए बसला भीम बसला
কেছিলা ভীম চিন্তিল আছে পাণ্ডব সুন্দর পাণ্ডব সুন্দর মানে ভীমকে কুয়া হয়েছে কাজ পাণ্ডব সুন্দর আসন কম্পিলা যে দেব শুলধর শুলধর হচ্ছে পিলা মানে শিব খাতা কাল পাখি রাখুত পিলা মানে শুলধর হলে শিব আসন কম্পিলা মানে কোণ না ভীম যেতবে যেতবে সহদেব কথা কইছি যে ভাই তুমি এই বর কথা তুমি কিনে দিয়ে তো অতি ভালো হচ্ছে ভুল বুঝামলা হচ্ছে তো তুমি শিব বুঝাবে সেতবে শিব ধ্যান বসতে এবং ধ্যান বসিকি সে যে বর কথা কু মনে পকাইছেন্তি তেমন সেতবে ভূ ভগবান কম করছেন্তি যেতবে ধ্যান পুরা বসিছেন্তি পিলা মানে সেতবে সে কম কইছেন্তি পুরো কইছেন্তি ধ্যানে জানিলে সে দেব ধ্যানে জানিলে সে দেব পশুপতি ঈশ্বর বইলে দেবে সুর গোপার্বতী ধ্যানে জানিলে মানে কি জানিলে না কৈলাশ পর্বত সেটা শিব পার্বতী পরস্পর বসছেন্তি ধ্যানে সে দেব পশুপতি পশুপতি মানে শিব ভগবান ধ্যানে জানিলে কি জানিলে না ভগবান শিব একথা জানিলে শিব পার্বতী পরস্পর কথা আনে ঈশ্বর বইলে দেবী শুণ গো পার্বতী শুণ গো পার্বত শিব পার্বতী কুচি কম কুচি আভন্ত সিংহ নাদ মাগু অছি বীর ভীমা তুন্ধ বিচার কুকিশ যোগাই গো উমা উমা মানে পার্বতী উমা মানে পার্বতী তেমন আমি যে কথা কিন্তু কি বুঝতে দেখ এইটি শিব ভগবান কুচি শিব ভগবান পার্বতী মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছেন পুরা শিব ভগবান পার্বতী মধ্যে কথা কম কথা হচ্ছেন ধ্যান জানিলে সে দেব পশুপতি ঈশ্বর বইলে দেবী শুণ গো পার্বতী আভন্ত সিংহ নাদ মাগু অছি বীর ভীমা তুন্ধ বিচার কুকিশ যোগাই গৌমা হে পার্বতী আমি যে কথা বচন দেইতিলে যেতে কৈলাশ পর্বতরে আমি বসিলে এবং সেতবে অকেশ নামক যে দৈত্য রাক্ষস আসিকি কৈলাশ পর্বত উঠাইবা চাইছিল সেতবে অকেশ দৈত্যরা প্রশাস সুরকু মারিদা কি ভীম সেতবে সে ভগবান প্রসন্ন যে আমি যে তাকে বর দিয়ে সেতবে সে আমি ধ্যান করুছি যে তা বর দেওয়া কি শিব কে পার্বতী কম কিন্তু দেখ পার্বতী কুচ পার্বতী বইলে ভীম সে আম উপগারি বেড়ে বেড়ে পাণ্ডবে আম্ব কপিলাস উধারি দেখ পার্বতী বলে নির্বিকা ভাবে কিন্তু পার্বতী কম পার্বতী বইলে ভীম সে আম্ব উপগারি উপকারি মানে উপকারি উপকারী মানে উপকারি পার্বতী বইলে ভীম সে আম্ব উপকারি দেখ ভীম যেহেতু আমি উপকার করেছি কত কিন্তু বেড়ে বেড়ে পাণ্ডবে আম্ব কপিলাস কই ধারি কপিলাস কই পিলা মানে হচ্ছে কপিলাস কু ধারি কপিলাস কই মানে হচ্ছে কপিলাস কু উদ্ধার করলে কি উদ্ধার করলে ভীম উদ্ধার করলে তা পাখু অকলেশ দৈত্য সুদ রাক্ষস পাখু দেন্দ পিলা মানে তাপরে কম কিন্তু সত্যম না ইচ্ছি দেব যেতে পুরারি পার্বতী বইলে সিংহ নাদ দিয়াছি বহল সত্যমনা সত্যমনা মানে কে থিলে হ্যাঁ সত্যমনা মানে কে থিলে মনরে সত্য আনিবা সত্যমনা হচ্ছে মনরে সত্য আনিবাকু ইচ্ছি ইচ্ছি মানে কাকু ইচ্ছা শক্তি দান দিও সত্যমনা সত্যমনা ইচ্ছি দেব যেতি পুরারি পার্বতী বইলে সিংহ নাদ দিয়াছি বহল ত্রিপুরারী মানে শিবকে মধ্যে ত্রিপুরারী বলে কুহযাই শিব কুহযাই ত্রিপুরারী সত্য মন যেহেতু সত্য মনরে সত্য কিন্তু আপনার করছেন ইচ্ছি মানে ইচ্ছা অছি দিয়েছি দেবতা আগে সফল করছ ত্রিপুরারী শিব ভগবান কেছেন পার্বতী বইলে সিংহ নাদ দিয় শিব দিয়েছি মানে দিও পার্বতী দিয়ে সিংহ না দিয়েছি মানে দিও কাগজ কলা পাখে রেখে পিলা মানে দেব পার্বতী বইলে সিংহনাদ দিয়েছি বহল তুমি দিও কাগজ কুচি ভীমকে কুচি কি কুচি পার্বতী মাতা তেমন আমি দেখলে এইটু পুরা সম্পূর্ণ রূপে শিব পার্বতী পরস্পর কথাবার্তা হচ্ছেন
ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଥନ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଶିବ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ପରସ୍ପର ଶିବ ପାର୍ବତୀ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯିବା ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ହେତୁ ତୁମ୍ବ ବ୍ରତୀୟଛ ତିଲୋଚନ ତିଲୋଚନ ମାନେ ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆସୁଛି। ପାଣ୍ଡବ ହେତୁ ତୁମେ ବ୍ରତୀୟଛ ମାନେ ବ୍ରତୀୟଛ ମାନେ ସଂକଳ୍ପ କରିଛ ରକ୍ଷା ପାଇଛ ତୁମେ। କିଏ ରକ୍ଷା ପାଇଥିଲେ? ଶିବ ଭଗବାନ ରକ୍ଷା ପାଇଥିଲେ। କିଏ ରକ୍ଷା କରିଥିଲା? ଭୀମ ରକ୍ଷା କରିଥିଲା କାହାକୁ? ନା କୈଳାସ ପର୍ବତ ରକ୍ଷା କରିଥିଲା। ତେଣୁ ଏକଥା ପାର୍ବତୀ କହୁଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବ ହେତୁ ତୁମେ ବ୍ରତୀୟଛ ତିଲୋଚନେ। ତେଣୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ତୁମେ ଆଜି ତିଲୋଚନ ଶିବ ଭଗବାନ ତୁମେ ଆଜି ରକ୍ଷା ପାଇଛ। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସଙ୍କଟ କାଳେ ତୁମ୍ଭନ୍ତ ଉଦ୍ଧାରନ୍ତି ପୁର। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସଙ୍କଟ ବେଳେ ବିପଦ ବେଳେ ବିପଦ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରନ୍ତି ପୁର। ବିପଦ ବେଳେ ପୁର ମାନେ ସଙ୍କଟ କରିଛନ୍ତି ଦିଅସି ସିଂହନାଦ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦଳେଣ। ମୁଁ କହିଛି ଦିଅସି ମାନେ ଦିଅ ବଦଲେଶ ବଦଲେଶ ଲେଖ ପିଲାମାନେ ଦିଅଛି ହେଲା ଦିଅ ବଦ୍ରଚଣ ବଦାନ କରି ବଦାନ୍ୟତା ଦେଖେଇବା ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କହିଲେ ସଙ୍କଟ କାଳେ ତୁମ୍ଭନ୍ତ ଉଦ୍ଧାରନ୍ତି ପୁର ଦିଅଛି ସିଂହନାଦ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦଳେଣ। ତେଣୁ ତୁମେ ଯଦି ତୁମକୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ତୁମେ ଖୁସି ମନରେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ତାକୁ ବରପ୍ରାପ୍ତି କର। ତାପରେ ଆସୁଛି ଘନ ଘନ ଆସନ କପଇ ସଦାନନ୍ଦ ଚାରି କୋଟିରୁ କାଢି ଦେଲେ ସେ ସିଂହନାଦ। ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପିଲାମାନେ ବିଷୟ ବୁଝ ଘନ ଘନ ଆସନ କମ୍ପାଇ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ ବନ ଆକାଶ ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ଦିବି ଘରେ କମ୍ପଲା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶିବ ବରଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ତାଙ୍କର ଅପରାତ୍ମାରୁ ଆତ୍ମାକୁ ନେଇକରି ଭଗବାନଙ୍କ ଶରୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେଇବେ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଘନ ଘନ ଆସନ କମ୍ପାଇ ସଦାନନ୍ଦ। ସଦାନନ୍ଦ ମାନେ ଶିବ ଭଗବାନ କଥା କୁହାହେଇଛି ଚିରିକୁଟିରୁ କାଢି ଦେଲେ ସେ ସିଂହନାଦ। ଚିରିକୁଟି ମାନେ ମୁଣା ଅର୍ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ତା ଯୋଉ ଅନ୍ତର୍ନାଡ଼ି ଭିତରେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଥିଲା ପ୍ରାଣ ଉର୍ଜା ଯୋଉ ଦାମ୍ଭିକ ଯାହାର ପ୍ରକମ୍ପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଚମକୁତି ତା ଥର ହର ହଉଥିଲା ପୃଥିବୀ ସାରା ସେଇ ସିଂହନାଦ କାହାକୁ ଦେଲେ ଈଶ୍ୱର ବୋଇଲେ ତୁ ବହନ ହୋଇଯିବୁ ତିନି ଘାତ ମାତ୍ର କ ଶବଦ ଭୀମ ସେନା ସହିବୁ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଈଶ୍ୱର ଈଶ୍ୱର ବୋଇଲେ ତୁ ବହନ ହୋଇଯିବୁ ତିନି ଘାଟି ମାତ୍ର କ ଶବଦ ଭୀମ ସେନା ସହିବୁ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଇଲେ ତୁ ବହନ ହୋଇଯିବୁ ଈଶ୍ୱର ତୁ ପାଇଯିବୁ। କିଏ ପାଇଯିବ? ନା ତିନି ଘାତି ତିନି ଘାତି ତିନି ଥର ତିନି ଘାତି ମାନେ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ ନା ତିନି ଥର ତିନି ଘାତି ମାତ୍ର କ ତିନି ଘାତି ମାତ୍ର କ ଶବଦ ଭୀମସେନକୁ ସହିବୁ ସିଂହନାଦ ଆସନ୍ତି ପ୍ରସର ପବନ। ଦେଖ ଯୋଉ ହୃଦୟଙ୍କ ଭିତରେ ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯୋଉ ଉର୍ଜା ଥିଲା ଯୋଉ ପରାକ୍ରମ ଥିଲା ଯୋଉ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ଥିଲା ସେ ତିନି ଶକ୍ତିଟା ତିନି ଥର ଯାକ ଯାଇକିରି ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରୀରରୁ ପ୍ରସର ପବନ ପ୍ରସର ପବନ ଏଠି କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ବହିବା ମାତ୍ରକେ ପବନ ବହିଲା ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା। ସେଠି କୁହାଯାଇଛି ସିଂହନାଦ ଆସନ୍ତି ପ୍ରସର ପବନ ତିନି ଘାତି ପାତ୍ରକ ଶବଦ ଭୀମ ସେନେ ସହିବୁ ସିଂହନାଦ ଆସନ୍ତି ପ୍ରସର ପବନ। ପବନ ବେଗରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିଟା ପ୍ରସର ବେଗରେ ବହି ଆସୁଛି କୋଉଠିକି ନା ଶବଦ କମ୍ପୁଛି ମୃତ୍ୟୁ ଯେ ଭୁବନ କାଳ ନାଳ ଜାରି ବିକାଶ ସିଂହନାଦ ଜ୍ୟୋତି ହେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳା ଶଙ୍କର ମହେଶ୍ୱର। ତେଣୁ ଶବଦ କମ୍ପୁଛି ମୃତ୍ୟୁ ଯେ ଭୁବନ ମୃତ୍ୟୁ ଯେ ଭୁବନ ମାନେ କ'ଣ ପୁରା ପବନ ବେଗରେ ଯେତେବେଳେ ସିଂହନାଦ କମ୍ପୁଛି ମୃତ୍ୟୁ ଯେ ପବନ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛି ଧରିତ୍ରୀ କମ୍ପୁଛି ମୃତ୍ୟୁ ଯେ ଭୁବନ ଧରିତ୍ରୀ କମ୍ପୁଛି ଭୁବନ ମାନେ ଧରିତ୍ରୀ କାଳ କାଳା ନଳ ଜାଣି ବିକାଶ ସିଂହନାଦି ଜ୍ୟୋତି କାଳ ନଳ ପିଲା ମାନେ ଅଗ୍ନିର ଜ୍ୟୋତି ଦେଖିଥିବ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଟିଭି ଦେଖୁଛୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ଜଣକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଏ
परम पूज्य गुरुदेव जो ध्यान रखते दादा सर्वेश्वरानंद जी मैं फटो जो फट देखु दादा सर्वेश्वरानंद जी पूरा सुखो आलोक पिंडी गुरु जी ने अंतरात्म प्रश्न मेरे बेटे तेरे हाथ में विश्व परिवर्तन होगा। ये जो परिवर्तन होगा ऐसा समय आएगा तेरे हाथ में विश्व परिवर्तन होगा, ऐसा परिवार आएगा। इस परिवर्तन के लिए इस परिवार के नाम हो गायत्री परिवार, अखंड परिवार बोली विश्व परिवार बोली। जो 15 कोटी गायत्री परिवार होते जोड़ते ही तेरे परम पूज्य माता जी का जीवन तेरे आम जो साधना जीवन भगवान का जो आवामंडल आम देखुचे से ज्योति सब कम पुछी मृत्यु जो भुवन काल नाल जारी विकासी सिंह नाद ज्योति तेरे भगवान का शरीर भगवान कंपुची पिता रोची पृथ्वी थरा रोची विजुड़ी मारुची घर मारुची से जो ज्योति बाउची ज्योति ऐसे कह दूची ना भीम शरीर में प्रवेश कर भीम शरीर कौन कर ना काल नाल जारी विकासी सिंह नाद ज्योति ज्योति आज शिव ठार भीम शरीर प्रवेश करुच भयंकर अग्नि आ सूर्य ठार आकाश रण कौन तक कहते आद्या सत गुण तेज विकास अंतरिक्षे आसी प्रवेश होइला व्यास सरोवर तीरे तो आद्यांत हूँ पिला देख आद्यांत मैंने जानते आद्यांत मैंने सूर्य ठार सूर्य ठार सत गुण तेज विकास सूर्य प्रखर किरण से किरण सी हंत आसला कौन ना अंतरिक्षे अंतरिक्ष मैंने आकाश रे आसी प्रवेश होइला व्यास सरोवर तीरे व्यास सरोवर तीरे तेणु व्यास सरोवर तीर दरकार अच्छे पहुंचला बर्तमान आम भीम रड़ी छाड़ ना भीम खोजुंट गाँव देवी एक कि सहदेव कहते उमा पार्वती पार्वती बात सी मैंने कथा होते अंतरिक्ष आसी प्रवेश होइला व्यास सरोवर तीरे तेरे व्यास सरोवर तीरे पेला बुझा मत व्यास सरोवर कौन पे व्यास सरोवर हूँ ओरोपा महातीर्थ ये तीर्थ स्थान नाम हूँ व्यास सरोवर जोटि की व्यासदेव गुप्तर महाभारत अष्टादश पुराण आदि रचना करुले बसिकी से समय जिते व्यासदेव पुराण लिखुले से दक्ष गोटे राक्षस राजा दक्ष राजा थे दक्ष राजा कौन करते दक्ष यज्ञ कला समय नाश यज्ञ नाश पर समाप्ति पर जिते शिव निज को शीतल करने प्रवेश करते कौट ना व्यास सरोवर प्रसंग आसला जो शिव भगवान दक्ष को यज्ञ कहीं आसिक शीतल करने चाहते दक्ष राजा थे दक्ष हेले गोटे झील थी तर सती ये सती को कौन करती सती भर नक शिव भगवान लुचि सब विवाह करते जेहेतु तक झील ताकि दक्ष को न जड़े शिव भगवान को विवाह करते दक्ष राजा कौन कले जो यज्ञ कर शिव को निमंत्रण कर ना शिव तक कौन हम जुआई घरे भोजी भात जुआई घरे ना भड़जा ना नाती ना झील ना सी भोजी भात कौन आवश्यकता अच्छे तो दक्ष राजा जिते बी यज्ञ करुले जेटा झीलता को नक शिव भगवान को लुचि सब विवाह करते शिव भगवान को निमंत्रण न करते सती देव पत्नी झील दक्ष राजा को नाम मानी थे सती निजे आज दक्ष को यज्ञ निज को आहुति देते जेहेतु आहुति शिव से राजी जाए यज्ञ को कौन करते नष्ट कर भस्म कर तेरे शिव शांति पाई जो प्रकांड रूप जो दक्ष यज्ञ को नष्ट जेहेतु तक स्त्री आज यज्ञ भाष दे आहुति तेणु से रागरे क्रोधरे सारा पृथ्वी कपटी रही विजुड़ी मारुची गदौड़ी मारुची से यज्ञ को भस्म कर प्राप्त राग क्रोध यज्ञ शिव भगवान अच्छा से कौन से उपाय नाई कौन से उपाय नाइक से कौन करते व्यास बसते से आसी से व्यास सरोवर में भितर प्रवेश कर देते व्यास प्रवेश कर शरीर शांत होता कह शांत होता शिव भगवान को शांत होते तेणु यह समय व्यास लिखी थे
सफल होते पांडव सुंदर भीम दहिला ताहा करे आरे आरे निशत किंपा हनुमान गोविंद तेणु से व्यास कार्य विघात सृष्टि कर शिव अभिशाप देते कौन से शरणागत अन्य उपाय पाए न पाए क्या व्यास सरव देते सरोवर को अभिशाप देते व्यास को जो पुष्कर को जे अन्य न उपाय मैं कौन से उपाय न पाए जदि कौन शत्रु कबल रक्षा पाया जी आश्रय नहीं शत्रु यहाँ प्रवेश करें ना जदि बलपूर्वक जी प्रवेश कला शत्रु ध्वस हो एक व्यासदेव दुर्योधन कही सिंहवान कही व्यास स्वर भर जी प्रवेश करें शत्रु मारी पारे ना ये पराक्रम था तेणु से कथा को आम आलोचना करुले बर्तन आम जा व्यास स्वरवती मैंने से जगार आसिक दुर्योधन प्रवेश कर पांडव सुंदर भीम धैला ताहा करे धैला ताहा करे आरे आरे निशत किंपा हनुमान गोविंद तेणु आरे आरे निशत किंपा हनुमान गोविंद तेणु आरे 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 मैंने क्या पॉइंट पिला मैंने ना निशत मान बड़ीन का बड़ ना दिन पकड़े बड़ ना आरे आरे निशत किंपा बड़ीन पड़ा पद्मपत्र बड़ीन पड़ा निशत किंपा हनुमान गोविंद शिवर ज्योति आसिक ढाल करते पूर्व ध्यान पांडव सुंदर भीम धैला ताहा करे तो शिवंकर ज्योति को से ढाल कर शिव भगवान मईसी बाद्य चुंगा भीम बाद्य बजाई से समय प्रथम रड़ी दे चुंगा तुरी भजा के ना पांडव सुंदर धैला ताहा करे शिवंक ज्योति को से धाड़ कला आरे आरे निशत किंपा हनुमान गोविंद करे धरी पांडव ताहा चुंडिला सिंहनाद तेणु बड़ी भाव से सिंहनाद रु कंपन पथ रड़ी छाड़ी किए छाड़ी भीम छाड़ी आक्रोशी सिंहनाद भीमसेन गारे कला बाद महिमंडल कंपिला प्रथम सवाद प्रथम शब्द देखुले भीम रड़ी कर सहदेव कौन से एवं श्रीकृष्ण भारत कही रड़ी कर पावर कौन लगे देखुले विजयल भीम रही छी कौन आक्रोशीण सिंह नाद आक्रोश मैं भिड़ी रड़ी कि आक्रोशीण आक्रोशेण सिंह नाद भीमसेन गाढ़े बाद महिमंडल कंपिला प्रथम शब्द तो प्रथम शब्द यही ही भीम प्रथम रड़ी गए तीनों से बड़ पाती करता प्रथम रड़ी भीम छाड़ी आज जान मानव मैंने दुर्योधन निषेध कथा मुझे कहूली निषेध कथा बड़हीन चुंडिला निश्चित किंपा हुई मान गोविंद तो कड़े घरे चुंडिला चुंडिला मान जो सुंदला आदि को से चुंबन कला चुंबन कला आकर्षण मान आकर्षण करी आकर्षण मान है आकर्षण करी महेंद्र को पता चलो देखा नलिनी पत्र जन्मे परंतर पहाड़ी पृथ्वी दल दलित कंपनी मधुनी नलिनी नलिनी पत्र जन्मे परंतर पहाड़ी पृथ्वी दड़ी दड़ा दड़ी तो कंपनी मेदी बापा नल नलिनी पत्र मान पद्म पत्र पद्म पत्र पा जब पा पड़े धनी पड़े पद्म पत्र देखते पा पड़े इपड़ी पा कि लग न पद्म पत्र परंतरे पहाड़ी पृथ्वी दड़ दड़ी तो कंपनी मेदी पृथ्वी थर पृथ्वी पूरा कंपुची धरती माता
संचा छाड़ी पृथ्वी दलित कंपनी पृथ्वी मेदिनी मेला पृथ्वी संचा छाड़ी करी जेब बिलई मंदर पृथ्वी संचा छाड़ी करी जे बुलई मंदर संचा संचा मारेला माप चिन्हित दाग जो दाग से मारी छाड़ी करी जे बुलई मंदर मंदर है पर्वत विशेष कथा कह मंदर पर्वत बोला कहे मान गोविंद निद्रा भांगी उठी बसिला धातिकार मानगुण माने भीमर जो प्रथम रड़ी न शुणला भीमर प्रथम रड़ी रे से निद्रा भांगी धन्य आम जो देखुले भीम से प्रथम शब्द भीम कहूला भीम रड़ी दुर्धर निद भांगी जाता मानस भितर जो बसला निद भांगी जाता ये मानव निद्रा भांगी उठी बसिला धातिकार आरे करी देला वीर भीमान पुणी आर रड़ी मैं द्वितीय रड़ी देला प्रथम कौन कला दुर्धन निद्रा भल रही द्वितीय रड़े कौन कला भीम द्वितीय दे चार कोश द्वितीय धाड़ी धाति धातिकार धातिकार मैं शीघ्र शीघ्र जो निद्रा भांगी मान गोविंद निद्रा भांगी उठी बसला धातिकार धीरे धीरे उठिकी निद्रा भंग कर देखते पिक्चर में उठी पूरा टपक अलैला से तो मालक बुझे बुझीला नहीं से धातिकार शीघ्र से उठी पड़ा उठी कौन कला जोजन पूरा बाहूरे पूरी आड़ रड़ला भीम वीर भीम द्वितीय रड़ी उठी कला कौन कला ना छड़ लक्ष जोजन आकाशे कंपिला धीर जम पाताले अनंत नागर कंपी लगा फेरी तो देख छ लक्ष जोजने छोड़ छ लक्ष जोजन मान चार कोश चार कोश हूँ आठ माइल आठ मिल आठ माइल दूर छ लक्ष जोजने आकाशे कंपिला विरज पाताले अनंत नागर कंपिला फेर हाँ फेर मैंने सर्वर फेर नाग साप सप्त फेर थे पे मैंने पाताल पूरा आनंद नाग साप पूरा फोड़ा देखिए उठिले भीम द्वितीय रड़ी में ध्यान दियो कहते नवदीप नवदीप सपत सगर कंपीला तलमल हो लोक मेरू तो नवदीप तो नवदीप कमुचा कहते हैं पिला मैंने ध्यान दिए ये नव नवदीप लिखाई नवदीप कह ध्यान देवा ये नवदीप नवदीप सपत सगर नवदीप सपत सगर सपत मारे सतरा सगर समुद्र नवदीप ये कहते इंद्रदीप खाता खाली लेख नवदीप क्या कहे ला इंद्रदीप दुरा नागदीप तीन है सौम्यदीप चार गंधर्व दीप पंचम है वरुण दीप षष्ठला कसुरी मान दीप षष्ठला गौष्टी मान दीप सप्तमला ताम्बर पर्ण दीप नवमला कुमारिका दीप ये नवदीप कथा नवदीप भक्ति मैंने स्कंद पुराण लिखाई ये बड़ देव कथा ये सब लिखाई कौ विषय स्कंद पुराण लिखाई नवदीप कथा तो नवदीप जो देखा नौटा दीप सत सगर पूरा कंपी तम है कौटी मेरू मेरू मैंने कौटा मानते सपत सगर मान नवदीप नवदीप लिखा पे आई कमी देखिए एक है इंद्रदीप दुई है नागदीप तीन है सौम्यदीप चार है गंधर्व दीप चार गंधर्व दीप पांच है वरुण दीप छा कसुरी मान दीप सप्तमला गौष्टीमान दीप अष्टमला ताम्रपर्ण दीप एवं शेष रहा कुमारिका दीप ये नौ दीप थरी उठी पृथ्वी सारा पर कंपी पे कहते सपत सगर कंपिला तलमल हो लोक मेरू एत पराक्रम दिन सपत सगर कथा पड़ी सप्त सगर किए रहा
ना दधि एक ला दधि दुईला दुग्ध तीन ला घृत चार ला लवण पांच ला इक्षु छला सुरा सात ला जल ये सातटा को लेकिन कह जाए शपथ सागर एक ला दधि दुईला दुग्ध तीन ला घृत चार ला लवण पांच ला इक्षु छला सुरा सप्त ला जल नवदीप शपत सागर कंपिला तलमल होई लोक मेरु माने पर्वत शिखरे पर्वत शिखरे कौन कहते आद्यंत भूमंडल भूमंडल अमर मंडल आकाशे लागिला उछुड़ा सिंधु जल ये बापा आद्यंत मन माने सूर्य मंडल ध्रुव मंडल माने ध्रुवतारा परिधि अंचल ध्रुवता जिते अंचल अच्छा ध्रुवतारा परिधि अंचल ये भूमंडल अर्थात भूमि मंडल आद्यंत मंडल भूमि मंडल ध्रुव मंडल आद्यंत मंडल है सूर्य मंडल भूमंडल है भूमि मंडल ध्रुव मंडल है ध्रुवतारा मंडल अमर मंडल है स्वर्ग अंचल हे प्रभु आकाश भूमि ध्रुव सूर्य सब स्वर्ग सब आड़े पूरा मंडल प्रखर उठला आकाश लागिला उछुड़ा सिंधु जल तेणु धृतराष्ट्र पुत्र विरोध अर्थात रहा चारियार पूरा सिंधु समुद्र जल मध्य एपर छिटिका मेला आकाश में मतलब लगेगा उछुड़ा सिंधु जल सिंधु जल आकाश मैंने पूरा एक आकाश में लगला ध्यान दि तेणु केत लगला ना आम जानचे दुर्योधन हूँ लक्ष्मी साधक थे जानते पिला दुर्योधन क्या साधक थे ना लक्ष्मी साधक ए दुर्योधन कांधे सब लक्ष्मी धारण करते तेणु लक्ष्मी सदा बेले दुर्योधन को आश्रा दौले तेणु आम जान तेणु आम कौन कले आद्याता आद्यांत भूमंडल ध्रुव मंडल अमर मंडल आकाश लगला उछुला सिंधु जल तो समुद्र जो छिटी गई आकाश लगुला कौन कहती रे रे कार करी राजा धुति राष्ट्री बच्छ तले मारी बाहा स्फुटि दर्जी देगे उठी से तो रे रे करी राजा धुति राष्ट्री धुति राष्ट्री माने धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन कहुच धृतिराष्ट्री धृतराष्ट्र को कहनी पे सबूत देख धृतिराष्ट्री धृतिराष्ट्री मैंने धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन पत्र कहुच बच्छस्थले बच्छस्थ मान बक्षस्थल छाती मारी बाहास्पत गर्जित बेगे उठी तो छाती अति गंभीर भाव में बाहाप्या भाव में गर्जित उठी बात मैंने करतल आघात बाहाप्य भाव कौन करते महादहन महादहन निश्वास महादहन निश्वास बोलाई बेली डोला बेली भुजे आक्रोशी भईले कमला ते महादहन मान अति गंभीर महादहन मान अति गंभीर अति गंभीर भाव निश्वास बुलाई बेली डोला बेली डोला बेली भुजे आक्रोशी धईले कमला तेनाली बोले दुर्योधन द्वितीय पूरा कंपमान होती बेले कौन कर दुई हाथ में लक्ष्मी बुझाऊ क्या दुर्योधन को बेली भुजे आक्रोशी धईले कमला बेली भुजे मान दुई हाथ में आक्रोश धईले कमला मान किए लक्ष्मी मा ध्यान दि आरे आरे दुर्योधन अपार प्रतिज्ञा जे कलु बाबू बोलू जे भीमर सात रड़ी सही तेणु आरे आरे दुर्योधन लक्ष्मी बुझाई अपार प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा कलु जे कलु बाबू बोलू जे भीमर सात रड़ी तु सही तेणु एथर तु सही बापा मत तो किसी कह चली बुझला करते बुझल मुझे चल कौन कहते मान गोविंद राजा कमला भुज दंडी बिला अधर पुस्तक बोली बोली महालक्ष्मी की जय
अधर पुष्ट कहला मा नवगोविंद राजा कमला भुज दंडा देला तेली अधर पुष्ट पकड़ी पोला जा बोली बोली तेनाली अहंकार थी दुर्योधन हाँ लक्ष्मी माँ को लक्ष्मी कथा को ग्रहण कला कहु भुज दंड देला पिली मैंने लक्ष्मी कथा को ग्रहण कला ना अधर पुष्ट मान उठ माँ को उठ तल उठ महालक्ष्मी कहीं पोला जा बोली बोली कहता बोली महालक्ष्मी बोले महालक्ष्मी 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 बोले जे पढ़ाओ अच्छी अच्छी मैंने मुँह पढ़ाऊँ अच्छी मैंने मुँह पढ़ाऊँ तोहर बचना बोलवा को खिली तो बात चाहे तो बढ़िया कथा तो माँ भी चाहते कि सावरा गए माँ लक्ष्मी को रखी पा पाखे तो महालक्ष्मी चाहू के पटुतर खराब कथा बाहर जाता मुआ पाखु खसिकी मुकुड़ पड़ाती तेणु से सब कहते जेहेतु दुर्योधन कथा बुझी पारे तो बारंबार बुझला पर तू बर पाइ तु शिवकर महदी व्यासेश्वर घर में अच्छी तू बाहर जा ना तेणु तू बाहर जा ना तो से शुणी तो से महालक्ष्मी महालक्ष्मी बोले जे पढ़ाऊ अच्छी तोहर भचना बोलवा को बाट चाहे तेनाली बाट को चाहिए लक्ष्मी भचना कले गाड़ी देने भचना कले गाड़ी देने गाड़ी देख माँ लक्ष्मी को पड़े लक्ष्मी बोली आबर उड़ी देवे सही बु पाम इड़ी सहिले तुरे होबु अजमर तथे माँ लक्ष्मी लक्ष्मी मैंने लक्ष्मी माँ बोले आबर रड़िए जेबे सही बु पामर पामर मान हे अधम पामर मान हे अधम तु यही रड़ी तु तु सही जीव ना अजम्बर तु अमर हो चिरंजीवी हो कथा लक्ष्मी बाबू तो ये कथा कलापर मध्य से कहते तथापि दुर्योधन से आश्वासन देते तु तथा यदि एक तु सही जीव ना तो तु कौन जगार तु हार मानवु ना लक्ष्मी बोले आबेर उड़ाई जेबे सहिबु पामर एरड़ी सहिले तुरे होइबु अजम्बर तु चिरंजीवी अमर हो तो शेषर से कहते एते बोली तक्षण छाड़िले महालक्ष्मी कदरी पत्र प्राय कंपाई महातमी ये कदरी पत्र कथा ये कह जाए श्रीकृष्ण भगवान दरबार थे सरी गांधारी पाखे दुर्योधन थे तेरे गांधारी गोटे अंध पुतुली खोली से दुर्योधन तो आगे अच्छी माँ को आगे जो संपूर्ण शरीर ब्रजपत्र दुर्योधन पराक्रम हो चलाखे माय रूप भगवान श्रीकृष्ण कर सी दुर्योधन देखिए क्या कथा पे माने शकुनि मामा कथा ना तेरे शकुनि मामा देश में छदेव श्रीकृष्ण भगवान माया कर शकुनि मामा रूप से हे दुर्योधन तु गोटे उन्नति नहीं तू गोटे राजदरबार माँ का आगे सामने को आसो तेणु सी कौन कर छानिया मैंने खराब लगे बोली गोटे कदमी पत्र जंघ पाखे कौन करा गुड़े गुड़े कार भगवान श्रीकृष्ण चाहते भल भाव माँ का आखि पुटे खोल शरीर बजपात आखि मारिपारे ना से चलाके भगवान श्रीकृष्ण गुट कहते तु कदमी पत्र कल गुड़े पड़े तुम जो अंध पुटी माँ गांधारी खोली जाती तेरी दुर्योधन संपूर्ण शरीर बज्रपात हो तेरे से जगह जो जंघ जगह से जगह केवल खाली फांका रही था से कहती कदमी पत्र जिते बोली तत्ण छाड़े महालक्ष्मी कदमी पत्र पाए कम पाई महातमी तेरे कदमी पत्र जगह से थर थर पर रहा द्वितीय राणी तृतीय राणी करवा पूर्व संभाली पारे कि संभाली पारे दुर्योधन सतुरी सतुरी भार गदा घेरी कर तले सतुरी सतुरी गदा भार ये पराक्रम थी कर तले सतुरी भार गदा मैं दुर्योधन गदा द्वारा ओजर सतुरी भार थिला सतुरी भार थिला क्षेप मान गोविंद जे चित अंतराड़े क्षेपी मान थोपाड़ी दे गिरी सी पूरा जल भितर बाहरी आसला
ଏବଂ ଯେଉଁ ଫୋପାଟି ଦେଇ ପଶି ଆସିଲା ତେଣୁ ତୃତୀୟ ରଡ଼ି ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସେ ସରୋବର ବାହାରି ଆସି ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଦୁର୍ଯୋଧନ ମରିପାରି ନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଏଠି ଦୁର୍ଯୋଧନ ମରିବା କଥା କୁହାଯାଇନି ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ ତୃତୀୟ ରଡ଼ି ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯଦି ପିକ୍ଚର ଦେଖୁଥିଲେ ସେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଡ଼ିରେ ବାହାରି ଆସି ମୁଁ କହିବି ସେ ଦୁଇଜଣ ପୁଣି ଟିକେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଶେଷରେ ଦୁର୍ଯୋଧନ କିଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ନାହିଁ ଦୁର୍ଯୋଧନ କିଭଳି ଭାବରେ ମାରିଛି ଅନ୍ତରାଳୀ ଗଲା ତା ପାଖକୁ ଏବଂ ଶେଷରେ ଭୀମ ଆଉ ଦୁର୍ଯୋଧନର ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି। ଲୀଳା ପୁରୁଷ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଦୁର୍ଯୋଧନର ଜଙ୍ଗକୁ ଭୀମ ବାଡ଼େଇଛି ଏବଂ ଦୁର୍ଯୋଧନର ମୃତ୍ୟୁବଳ ହେଇଛି। ତେଣୁ ବଡ଼ ବ୍ୟାପକ ବିଷୟ ଆପଣ ବୁଝିଲେ ଆଶା କରେ ତୁମମାନଙ୍କ ଏଇ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ବାସ୍ତବ ଯେତେ ପାରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇକିଂ କରନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯିବେ ଶ୍ରୀରାମ ଜ୍ଞାନ ମନ୍ଦିର ବାଲିଆ ଉପରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଷୟରେ ନୂଆ ନୂଆ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଅପଲୋଡ଼ କରୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଆଶା କରନ୍ତି ଭଲ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଲାଇକିଂ କରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ ଏ ବିଷୟ ବୁଝିବେ ବୁଝିଲା ପରେ ଯଦି ତ୍ରୁଟି ଆମର ଥିବା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଟିକଟିକ ଦିକଦିକ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଭୀମଙ୍କ ଷ୍ଟୋରିକୁ ଆଉ ଯଦି କେଉଁଠି ଭୁଲ ଗୁଡ଼ା ଥିବ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ ଆପଣ କହିପାରିବେ ପୁନଃ ସେ ନମ୍ବର ମୁଁ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ସବୁବେଳେ ଖାତା କଲମ ରଖିକି ପାଖରେ ବସିଥିବ ମିଟିଂ କରୁଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା କୁହାଯାଉଛି ନୂଆ ନୂଆ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ଠିକ୍ ଜୁନ୍ ପରେ ଆମେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ବିକେ ବୁଝିବା। ତେଣୁ ପୁନଃ ନମ୍ବର ମୁଁ ଦେଉଛି 7003800162 7003800162 ଆଉ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ହେଲା 9937 336 336 336 9937 336 7003 00162। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ନୋଟିଂ କରି ରଖିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତୁମମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ହଉ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ ଶେଷ କରୁଛୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ସଦାଶିଷ ହୁଅନ୍ତୁ।